अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। होपफुली आप लोगों ने उसको लर्न कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी कि प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता, ठीक है। स्टोमेटा या जनरल उनकी जो एयर जनरल सर्फेसेज हैं या जो हम कहें कि मीजोफिल सेल्स हैं या फिर एयर स्पेसेस हैं, वो इनको हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। जब हम ह्यूमंस की या हायर एनिमल्स की बात करते हैं तो इनमें स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी कि स्पेसिफिक एक सिस्टम होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, which is divided into two parts, air passageway and the lungs. अब air passageway जो है उसके जो parts हैं वो help करते हैं ताकि बाहर से air जो है वो lungs में आए और वहां exchange of gases के बाद air जो है वो बाहर चली जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि air passageway है उसके जो parts हैं वो कौन कौन से main parts हैं। नेजल कैविटी है, नोस्ट्रियल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ओरल कैविटी यहाँ मौजूद है लेकिन उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई रोल नहीं है सच, ठीक है। हमारे पास एपिग्लॉटस है, फेरिंग्स है, हमारे पास ग्लॉटस है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जो एयर पैसेज वे के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ट्रेकिया है हमारे पास, ब्रोंकाई है, लंग्स हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, एल्वुलर डक्ट्स हैं, ठीक है, आर्ट्रियोल है, फिर वेन्यूल है, एल्वुलाई है, कैपिलरीज हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वो पार्ट्स हैं, हमारे पास ये तमाम पार्ट्स हैं किस चीज के, एयर पैसेज वे के और लंग्स के, या हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम जो है, बाकी तो हमारे पास टॉपिक में सारी चीजें में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज का थोड़ा सा मुझे था कंफ्यूजन के बच्चों को शायद एपिग्लॉटस की समझ ना आए कि एपिग्लॉटस क्या चीज है और इसका फंक्शन क्या है, इसीलिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा डायग्राम बीच में ऐड की है। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एपिग्लॉटस है, ठीक है। और साथ ही साथ ये नीचे ये पूरा पोर्शन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है और इसके साथ वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, या आप इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और ये एसोफेगस है। अब एपिग्लॉटस जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक। ये इसका स्ट्रक्चर क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कि लीफ शेप्ड एक फ्लैप है आपके गले के रीजन में। इसका फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करता है किस चीज को, फूड को, फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है कि वो विंड पाइप में या लंग्स में ना एंटर हो जाए, ठीक है। उसके अलावा ये ओपन रहता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग और अलाउ करता है एयर को कि वो लेरिंग्स में चली जाए, समझ आ रही है। एक लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर है आपके थ्रॉट के रीजन में और ये प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री विंड पाइप में और लंग्स में। और इसके अलावा बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ओपन रहता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है, ताकि एयर आराम से जो है वो लेरिंग्स में जो है वो चली जाए। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है, नेक्स्ट हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। ये जो पैसेज है एयर का, बेसिकली ये एंटर कहाँ से होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से, नेजल कैविटी और नोस्ट्रिल, ये दो वो पार्ट्स हैं ह्यूमन के बॉडी में जहां से एयर बेसिकली एंटर होती है, नेजल कैविटी और नोस्ट्रिल्स, ठीक है। नोज के अंदर फर्दर दो आपके नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, जो एक लाइन से डिवाइडेड है, नाक जो है वो आपके दो हिस्सों में या दो पोर्शन में डिवाइडेड है, आपको पता। अब हमारे नाक में हेयर्स और म्यूकस मौजूद है, कहते हैं नेजल कैविटी का, नेजल कैविटी में म्यूकस और हेयर का फंक्शन क्या है। ईच पोर्शन में आपको पता है हेयर्स मौजूद है और म्यूकस, ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं किस चीज को, जब एयर एंटर हो रही होती है नोज में तो उसमें डेफिनेटली डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ठंडी हवा होती है, कभी बहुत ज्यादा गर्म हवा होती है, तो जो म्यूकस है वो मॉइस्ट करेगी, हमारे पास
जो वार्म एयर आ रही है बाहर से उसका टेम्परेचर जो है वो क्या करेगी, इक्वल करती है बॉडी टेम्परेचर के, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको स्टेप वाइज पढ़ते हैं कि हमारे पास ये कैसे एयर पैसेज वे काम करता है। सबसे पहले एयर जो है वो नेजल कैविटी में एंटर होगी, वहां से नोस्ट्रिल में, और नोस्ट्रिल जो है वो हमें पता है कि आगे जाके ओपन होते हैं सीधे फेरिंग्स में, ठीक है। यहाँ से एयर फेरिंग्स की तरफ चली जाएगी, ठीक है, अंदर इंटरनल नोस्ट्रिल्स के जरिए। अब हमारे पास फेरिंग्स जो है वो एक मस्कुलर पैसेज है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ एक पैसेज है जो कि विच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक है। अब आगे के दो हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी एक्सटेंड करता है इसोफेगस एंड लैरिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फेरिंक्स से एयर जो है वो कहाँ चली जाएगी, लैरिंक्स में, ठीक है। एयर जो है वो फेरिंक्स से कहाँ चली जाएगी, लैरिंक्स में। हमें पता है कि ग्लॉटस जो है वो एक नैरो ओपनिंग है फेरिंक्स के फ्लोर के ऊपर, फेरिंक्स के फ्लोर के ऊपर एक चीज मौजूद है जिसको आप कहते हैं ग्लॉटस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फेरिंक्स के फ्लोर के ऊपर, ये फेरिंक्स का पोर्शन है और इसकी फ्लोर पे जाकर क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, ग्लॉटस, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये लैरिंक्स की तरफ एयर को भेज देगा आगे, ठीक है। यहाँ से फेरिंक्स से जो एयर है वो लैरिंक्स की तरफ चली जाएगी, और अब क्या होगा, लैरिंक्स बेसिकली क्या चीज है, एक बॉक्स है कार्टिलेज का बना हुआ जो कि मौजूद है फेरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में, ठीक है। ट्रैकिया ये नीचे का पोर्शन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज मौजूद है, आपको मैं दोबारा बता दूं, फेरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में क्या चीज मौजूद है, लैरिंक्स, और वो क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। ये चीज, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये नीचे वाला, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। और लैरिंक्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इसके पास फाइब्रस बैंड होते हैं, टू पेयर्स, ठीक है, टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड जिसको आप वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, ये लैरिंक्स के इर्द गिर्द स्ट्रेच हो जाते हैं। जब जब कोई एयर यहाँ से पास होगी तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, और ये जो वाइब्रेशंस हैं बेसिकली ये क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ये जो वाइब्रेशंस हैं ये क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है।